नमस्ते, मैं हूं पाल राहत की। मैंने अपनी माता जी को कोविशील्ड का सेकेंड डोसेज दिलाया स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद के अंदर, एंड दैट सेकेंड डोसेज वॉज डन नॉट थ्रू द वेबसाइट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुक एंड अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। इट वॉज डन वेन आई कॉल्ड अप द हॉस्पिटल अथॉरिटीज, बिकॉज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही थी टू टेक द सेकेंड डोसेज ऑफ कोविशील्ड। बट मुझे मेरी माताश्री को कोविशील्ड का सेकेंड डोसेज दिलाना था बिकॉज द टाइम वॉज अप। नाउ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि द कोविशील्ड कॉस्ट अस 250 rupees, 150 was the price of the vaccine, 100 rupees extra were the administration charges। दो अब हम सुन रहे हैं कि कैसे अदार पूनावाला ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड का प्राइस 300 rupees कर चुके हैं, 400 से डिक्रीज कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि दे वॉन्टेड टू डू दैट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, क्योंकि ऑपोजिशन वॉज टॉकिंग अबाउट वन वैक्सीन वन प्राइस। ये ऑपोजिशन को ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे चेतन भगत जैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल भारतीय राइटर जो कह रहे हैं कि फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन भारत के मार्केट्स में अलाउ करनी चाहिए थी, और इनको सपोर्ट कर रही है बरखा दत्त जिनके फादर की हाल में ही डेथ हो गई ड्यू टू कोविड। तो मैं समझना चाहती हूं कि एक तरफ ऑपोजिशन कहती है वन वैक्सीन वन प्राइस, दे वांट कोविशील्ड प्राइस टू कम डाउन टू बी अफोर्डेबल, और दूसरी तरफ वो फाइजर को सपोर्ट कर रहे हैं, मॉडर्ना को सपोर्ट कर रहे हैं जो 3 times दुगना प्राइस रखती है टू कोविशील्ड एंड फुल प्रोटेक्शन भी नहीं देती, बिकॉज कोविशील्ड इज एबल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वेरियस वेरियंट्स ऑफ कोरोना वायरस एज पर स्टडी, एंड भारत बायोटेक इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट वैक्सीन डिवेलप्ड इन इंडिया इन हैदराबाद। मगर उसके बावजूद चेतन भगत जैसे भारतीय राइटर जो भारत के अंदर प्रसिद्धि पाते हैं वो जाके फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को एज अ इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। तो उनको मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, चेतन भगत आई नो यू सिंस नचपल, ये season 7 आप उस शो के जज थे और मुझे पता है कि आपने किस आधार पर जजिंग की थी। ना आपको नाच गाने के बारे में पता, ना आपको डांस फॉर्म्स के बारे में पता, जस्ट बिकॉज आप एकता कपूर के चापलूस थे आपको उस शो का जज बना दिया गया, और उस शो के अंदर आप वैसे ही पपेट थे जैसे आप आज है। जी हाँ, उस शो के अंदर अगर आपको कोई सवाल पूछता था आपके पास जवाब नहीं होता था, आप बकवास करते थे, यू बिहेव लाइक अ डम इडियट, एंड नाउ यू आर सेइंग दैट आस्किंग क्वेश्चन इज योर राइट एज अ इंडियन सिटीजन। यस, आस्किंग क्वेश्चन इज अ राइट एज अ इंडियन सिटीजन, बिकॉज आई ऑल्सो आस्क क्वेश्चन टू डॉक्टर्स एंड लॉयर्स विच लॉट ऑफ देम डोंट लाइक इट, बट वंस आई गेट आंसर्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स आई कीप माई माउथ शट, आई एक्सेप्ट देयर आंसर्स बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ लॉयर। नाउ इफ समबडी हैज टोल्ड यू दैट फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन के स्टोरेज के टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा लो है, जो पॉसिबल नहीं है, ये वैक्सीन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, तो आप ऐसी वैक्सीन को दो डोसेज जो देने वाली वैक्सीन है जिनका स्टोरेज टेम्परेचर बहुत कम है, कैसे आप उसका इस्तेमाल करेंगे भारत के गाँव में जाके भारत के लोगों को देकर? इट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल टू एडमिनिस्टर सच एक्सपेंसिव 3 times द कॉस्ट ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन इन वेरियस कॉर्नर्स ऑफ इंडिया विच हैव हैड नेगेटिव स्टोरेज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज यूज सम ब्रेन बिफोर काइंड ऑफ पब्लिसाइजिंग फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन एंड हैविंग बरखा दत्त एज योर सपोर्टर। आई नो यू आर स्टूपिड एंड डम, बट आई डू नॉट नो यू आर दैट स्टूपिड एंड डम, बिकॉज आज की तारीख में अगर आप कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये आपको अलाउड नहीं है, ये गलत थॉट प्रोसेस है, आप क्वेश्चन पूछिए, मगर आपको अगर उन क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है तो अपना मुंह बंद रखिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है। जानबूझ के अपना एजेंडा प्रमोट करना जस्ट बिकॉज आप एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल राइटर है, ये गलत है। आप इंटेलेक्चुअल राइटर नहीं रहे, आप एक दो फालतू के इन्फ्लुएंसर हो गए जो जानबूझ के इंपोर्टेड वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं ओवर इंडियन वैक्सीन, बिकॉज आपको शायद पैसे मिल रहे हैं। एज सिंपल एज दैट, दैट्स अबाउट इट। नमस्ते, जय हिंद।